दुर्ग के गंजपारा में आपसी रंजिश के चलते चार युवकों ने मिलकर एक युवक की डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी। इस मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने चंद घंटों के भीतर ही आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिनके विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने कार्यवाही भी प्रारंभ कर दी। दुर्ग के गंजपारा में हुई विनोद नायक की हत्या के मामले में दुर्ग कोतवाली थाना पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें देवेंद्र ठाकुर, रमेश ठाकुर वर्मा, दीपेश यादव व गणेश साहू शामिल हैं, जिन्होंने आपसी रंजिश के चलते डंडे से पीट पीट कर विनोद नायक की हत्या कर डाली थी। गौरतलब है कि ये पूरी घटना उस वक्त घटित हुई जब शनिवार की देर शाम मृतक विनोद नायक अपने दोस्त भानु तांडी व यशवंत देशमुख के साथ गंजपारा गया हुआ था, जहां आरोपी देवेंद्र ठाकुर, रमेश कुमार वर्मा, दीपेश यादव और गणेश साहू ने पूर्व रंजिश के चलते तीनों पर लाठी डंडे से प्राण घातक हमला कर दिया। इस घटना में विनोद नायक के सर पर गंभीर चोटें आई, वहीं भानु तांडी व यशवंत देशमुख भी इस घटना में घायल हुए, जिन्हें गंभीर अवस्था में घायल विनोद नायक को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दुर्ग कोतवाली थाना पुलिस ने इस मामले में शामिल सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया है और साथ ही कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। इस संबंध में कोतवाली थाना प्रभारी एस एन सिंह ने न्यूज टीम के समक्ष इस तरह की जानकारी दी। मामला किस प्रकार से? कल देर शाम मीलपारा के पास में, एक पांडेले के पास में, चार लोगों के बीच में आपस में पुरानी रंजिश थी, जिसमें विनोद नायक, यशवंत देशमुख, भानु कटिक और मनीष यादव, इन चारों के साथ में चार और अन्य व्यक्ति जो कि आरोपी पक्ष में हैं, रमेश वर्मा, दीपेश यादव, गणेश साहू और देवेंद्र ठाकुर, इन चारों की पुरानी रंजिश थी। पूर्व में एक ढाबे में विवाद हुआ था, जिसमें मनीष और गणेश के बीच में मारपीट हुई थी। उसी विवाद को लेकर कल शाम को इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसमें विनोद नायक को चोटें आई, गंभीर चोटें सिर पे लगने से उसको हॉस्पिटल ले गया, जहां से डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मामले को संज्ञान में लेते हुए उस पर अपराध 302 दर्ज किया गया, जिस पर आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा आदेश पर टीम गठित की गई, जिसमें ACCU की टीम और थाना कोतवाली की टीम ने आरोपियों की पतासाजी करने पर देर रात आरोपी पकड़ में आए। पूछताछ जारी है, मामले की विवेचना जारी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।